के किसान यूनियन द्वारा किए जा रहे धरने प्रदर्शनों के अंतर्गत आज पूरे देश के एफसीआई दफ्तरों के बाहर किसानों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते आज करनाल के काछा रोड स्थित एफसीआई कार्यालय में भी किसानों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है। इस अवसर पर किसान नेता जगदीप सिंह ने कहा कि सरकार सभी विभागों को प्राइवेट हाटों में दे रही है। एफसीआई एक ऐसा विभाग था जिसके माध्यम से किसानों को एमएसपी पर निर्धारित रेट मिलता था, परंतु अब सरकार एफसीआई को भी प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश कर रही है, जिसके विरोध में आज पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि यह जो कृषि के क्षेत्र में काले कानून लाए गए हैं, यह सिर्फ किसानों के लिए ही खतरनाक नहीं है, यह व्यापारी व छोटे दुकानदार को भी बर्बाद कर देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा सरकार हर विभाग को प्राइवेट हाथों में दे रही है। उसी कड़ी में आज करनाल में प्रदर्शन किया गया है और सरकार से मांग की गई कि एफसीआई को प्राइवेट हाथों में ना दिया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, वजह क्या है? देखो, वजह ये है जो एफसीआई डिपार्टमेंट ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में जो गेहूँ की फसलों की जो खरीद होती है, सरकारी खरीद होती है, जो एमएसपी मिलता है वो इसी एफसीआई के थ्रू मिलता है। और ये जब से मोदी सरकार इस देश में आई है, इसने लगातार एफसीआई को खोखला करने का काम किया है, ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे इसको कमज़ोर किया जाए, और उसी के तहत इन्होंने लगातार एफसीआई का बजट घटाने का काम किया है। इनको कम से कम इनका बजट कम करते जा रहे हैं, जिससे इनकी किसानों की राम राम से खरीद बंद की जाए, और इसके अलावा जो खरीद केंद्र हैं, जो फसल खरीद केंद्र हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा घटा दी है। और इसके अलावा अब एक नए कानून इस बार गेहूं के सीजन से लेकर जो हमारा मॉइस्चर 14% अलाउड होता था वो 12% कर दिया, जो गेहूं के अंदर 14% से 12% मॉइस्चर करना में दिक्कत आती है, इतना गेहूं पकाना इतना पॉसिबल नहीं है। ये भी एक किसान विरोधी एक इनकी नीति है, और कुल मिला के मकसद एक ही है, इस डिपार्टमेंट को ख़त्म किया जाए, इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये जो तीनों कृषि कानून आए हैं, ये सारी चीज़ें जोड़ के देखने की ज़रूरत है। जो ये तीनों कृषि कानून लेके आई है, जिसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसमें भी यही मकसद है कि सारी खरीद प्राइवेट हाथों में दी जाए, प्राइवेट प्लेयर खड़े किए जाएं। और ये जो हमारा केंद्रीय जो हमारा एक डिपार्टमेंट एफसीआई जो 1966 से लगातार इस देश की सेवा कर रहा है और इस देश के किसानों को एमएसपी को देने का काम कर रहा है, इस हमारी इतने बड़े स्तंभ को गिराने की कोशिश इस मोदी सरकार द्वारा की जा रही है, उसी के विरोध में आज हम इकट्ठे हुए हैं। और जो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हमें ऊपर से आज का ये दिया गया था प्रदर्शन, हम यहाँ करेंगे और उसके बाद ज्ञापन सौंपेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जगदीप सिंह ओलख है, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य भारतीय किसान यूनियन। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।